दिस इज़ अ विंटर वंडरलैंड यार, मज़ा आ गया। इसी ड्राइव के लिए मैं इतना दूर आया था यहाँ पे। आई थिंक इट्स वर्थ एवरी सिंगल पेनी नाउ। इट्स डे 3 एंड वी आर इन मसूरा नाउ एंड लिविंग फॉर चितकुल टुडे। सपोज टू लीव बाय 6 o'clock बट उठते उठते लेट हो गया एंड नाउ इट्स 8:45। सो वी विल हैव ब्रेकफास्ट। आज का जो सफर है इट्स समवेयर अराउंड 240 किलोमीटर। सो हाउ इज योर डे? आलू पराठा इज माई फेवरेट। आई थिंक दिस आर मोस्ट सेफेस्ट डेज यू कैन एवर इन माउंटेन्स। अगर मैं माउंटेन में नहीं हूँ तो भी आई प्रेफर आलू पराठा होंगे। लेट्स गो स्टोरी टाइम। शर्ली को माउंटेन्स बिल्कुल पसंद नहीं है। सी कमिंग विद मी सेकेंड टाइम थर्ड टाइम मैं उसको धीरे धीरे यू नो माउंटेन से प्यार करना सिखा रहा हूँ। आई थिंक सी नाउ सी स्टार्ट लविंग इट बट सी नेवर बीन अ माउंटेन पर्सन। आई थिंक लास्ट ईयर से पहले वो लाइफ में कोई माउंटेन्स आई नहीं थी। आज से लाइक अभी से व्हेन शी मेट मी उसके बाद से शी स्टार्ट कमिंग टू माउंटेन्स एंड ऑल लाइक एंड नाउ सी एंजॉयिंग इट। सी ऑलवेज बीन अ बीच पर्सन। उसको बीच से बहुत लगाव है। सी लाइक हर फेवरेट प्लेस इज मालदीव्स अंडमान। सी जस्ट कीप यू नो ट्रैवलिंग टू बीचेस। सी कैन स्टे देयर फॉर लाइक इयर्स बट नाउ सी फील माउंटेन्स आर ऑल्सो अट्रैक्टिव। इट्स हैज समथिंग एंड दैट्स हाउ सी स्टार्ट लविंग इट। आई एम श्योर अगर ऐसे ही रहा तो एक दिन बोले कि नहीं माउंटेन्स में जो बात है ना वो बीच में नहीं है। आएगा वो टाइम, धीरे धीरे आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा। Oh no, always beach is always gonna be first प्यार, but mountains are beautiful too, no doubt. But beach is beach. Oh, you still feel that key beach is? Yes. ये अपनी गाड़ी में कूलेंट डाला है। I think कूलेंट पूरा बिल्कुल नीचे चला गया था। And that's why feeling कि सुबह ना थोड़ा सा problem देती start करने के लिए। Stepping stones हो रहे हैं। Like I don't know यहाँ से इसमें कितना दिखेगा, वहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं। पहाड़ों में ये बहुत नॉर्मल है कि स्टेपिंग स्टोन जब भी लाइक ऊपर से पत्थर गिरते रहते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल राइडिंग इन टू माउंटेन्स। इट्स स्केरी। ये जगह किस किस को याद है मुझे बताओ कमेंट करके। जब हम लोग यहाँ लास्ट टाइम थे आई विल सेंड अ फोटो मिरर से लेकर लाइक बिलाओ नीचे। ये फोटो में यहाँ पे क्लिक किया था एंड अभी इस जगह का। So now we are at Shangla. अच्छा था इसमें होल हुआ है बट अभी नहीं है। चार पाँच दिन पहले आया था तो वी कुड हैव फाइंड स्नो फॉल ओवर हियर एंड यहाँ से अपना फुल स्नो राइड चालू हो गया है। पूरे रोड के ऊपर बर्फ जमी हुई है एंड बाजू में भी लाइक फुल स्नो है एंड थार का लाइक 4x4 का जो फील आ रहा है अभी इट्स अमेजिंग। दिस इज वर्ल्ड। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कार ये यहाँ पे पार्क कर दिए। बहुत ट्राई किया यहाँ पे चढ़ाने का, नहीं चढ़ रही थी बिकॉज इट्स टू मच इंक्लाइन। इंक्लाइन के ऊपर हालत ख़राब हो गई जीप की। लाइक यहाँ तक आए और उसके बाद इट्स स्टक। सो उनका लेट्स टेक इट बैक बिकॉज इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू गेट स्टक इन अ सिचुएशन की जहाँ पे लग जाए, क्योंकि खाली ये नहीं है, इसके बाद और ऊपर है। अब यहाँ से विल वॉक अपना होटल कुछ यहाँ से 500 मीटर के आसपास रहेगा। सो दिस इज आवर प्रॉपर्टी वी आर स्टेइंग एंड गाइस इट इज विंटर वंडरलैंड। ट्रस्ट मी दिस इज सो ब्यूटीफुल यार। वाओ यार व्हाट अ अमेजिंग प्रॉपर्टी। चलिए व्हाट इज से माय नोज इज जैम्ड। आई नो यू इवन माय नोज इज जैम्ड लाइक ओह मैन।
And this is heaven. Wow. So guys, now we're having a food and the view outside is, it's marvelous. Like, I love the stay. Raat ko minus 12 degree Celsius tha. मेरी हालत खराब हो गई थी शादी में तो पूरा दिन लाइक हमारे पास हीटर था और अपना इलेक्ट्रिक बेडशीट था हीटेड बेड था ना हीटेड बेड के ऊपर ओह माय गॉड टुडे इज एट डे 4 एंड सी द व्यू गाइस इट्स फुल्ली स्नोड ओवर हियर एंड ना सी इट्स टू गुड And this view is just next level. I'm loving this. If there is a heaven on earth after Kashmir, it's here. It's exactly here. Today we are heading to Narkanda. Narkanda again, the same hill station. जिस height पे ये है उसी height पे Narkanda भी है. तो I'm expecting कि Narkanda में भी काफी snow होने वाला है. कल हादसा हो गया मेरे साथ. So, you're seeing this from view ना? It's amazing. So I thought, let's take this view from the drone. And I tried flying my drone. So drone mera wahan par crash ho gaya. Pankhdiyan toot gayi uski. To uske karan main ye beautiful location capture nahi kar paya. And jab drone crash hua to main bhaga. Aur jab bhaga to maine apne goggles nikal ke niche rakh diye. And jab wapas aaya to goggles nahi the. So, मेरे ओकली के गूगल्स भी बहती गंगा में चले गए. Say goodbye to this nice property. Tell you how's your stay? Like, enjoy, no? So now, let's go, यार ये व्यू को छोड़ने का मन नहीं कर रहा मेरा. ये स्नो यहाँ पर अप्रैल तक रहता है. So you guys come and plan your trip accordingly. एक्सट्रीम स्नो यहाँ पे जैन फेब में ही होता है तो रात भर लोग गाड़ी स्टार्ट रख के छोड़ते हैं और इस रूम में गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी और बुलशिट तो हमने गाड़ी के अंदर पानी बोतल छोड़ दी थी और अभी देख रहे हैं पीने के लिए तो पूरा ये बर्फ जम गया लाइक पूरी आइस हो गई है Very beautiful location and Shirley is trying some reel over here. So, Shirley अभी आगे बोनट के ऊपर बैठी थी and she had a blast I guess. Shirley कैसा लगा तेरे को? मुझे तो नीचे ही नहीं आना था. It was so good. ऐसे travel करना चाहिए ऐसे नहीं. I know Shirley अभी चितकुल आएगा ना चितकुल में और भी beautiful मिलेगा like बहुत खूबसूरत जगह के लगे. So let's you can again sit over there. I think this time you should try on the top. I will. Yeah. मैं भी मुझे भी try करना है. I'm gonna make some really good. Full drive. I'll shit. I'll park the car and shit on the top. It's like seriously, it's no drive like. Shali aage baithi bonnet ke upar. Ye pura snow ride ho raha hai. I think gaadi stuck. Gaadi phans gaya wahan pe. That car got stuck. Endeavor phansi hui wahan pe. कैसे लाइक एंडे में जैसी गाड़ियाँ कैसे फंस जाती हैं यार लेट्स होप आर थार विल मेक इट इजी लाइक आराम से निकल जाए दिस इज अ विंटर वंडरलैंड यार मज़ा आ गया इसी ड्राइव के लिए मैं इतना दूर आया था यहाँ पे आई थिंक इट्स वर्थ एवरी सिंगल पेनी नाउ आगे वाली गाड़ी फंस गई बुरी तरह से दैट्स अ पजेरो गाइस कैन यू सी पजेरो की ये हालत होके रखी है लाइक क्या बोलूं मैं आगे पीछे मत आने देना गाड़ी पत्थर लगा दिया पीछे पत्थर
गाड़ी पूरी तरह से फंस गई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पजेरा जैसी गाड़ी फंस सकती है यहाँ पे। लिटरली लाइक सीरियसली सरताज जी। तो अब क्या सलूशन हो सकता है? तो ये इतनी बुरी तरह फंसी है ना। क्यों, कैसे, व्हाट्स हैपेंड? रिवर्स आने थे बिकॉज पीछे पत्थर है, ठीक है ना। आगे जाने थे बिकॉज इट्स अ क्लाइंब, सो इफ इट्स गोज टू द लेफ्ट इट माइट, बट आई डोंट नो, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी। बट तुम लोग इतने लोगों, फिर भी नहीं हो पा रही? नहीं हो रहा कुछ। फाइनली वी मेड टू चितकुल। इट्स माई 14th ट्रिप टू चितकुल एंड एवरी टाइम इट्स फील डिफरेंट यार, लाइक 11,320। कभी विंटर में नहीं आया। The first trip and that's also a Thar. And guys, trust me, खटारा है but क्या काम कर रही है अपनी गाड़ी, फंसी नहीं है अभी तक। एक बार फंसी थी परसों जब हम लोग ऊपर चढ़ा रहे थे, बट आज पजेरो फंसी, उसके आगे एक और गाड़ी मिस्ती पिस्ती थी वो भी फंसी, बट थार सर्वाइव्ड एवरीवेयर। एंड गाइस सी दिस यार, दिस वैली इज अमेजिंग। शर्ली इज लाइक सो बिजी क्लिकिंग हिज ओन फोटो। शर्ली हाउ इज योर एक्सपीरियंस? मजा आ गया ना। अरे आप? मैं सांगला से आ रहा हूँ। सांगला से आ रहे हो? हाँ जी। आपके तो दिल्ली का होगा ये? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम आया हूँ, रक्षम तक आया हूँ मैं पहले। हाँ, आपको ना क्या करना है, थोड़ा सा एयर प्रेशर कम करना चाहिए इसका। पहली बात तो एयर प्रेशर कम करोगे तो यू विल गेट ट्रैक्शन। यस। एंड प्लीज वियर अ प्रॉपर गियर, लाइक आई डोंट रेकमेंड पीपल टू राइड इन स्नो विद यू नो विदाउट एनी गियर। एक्चुअली आई एम लोकल, तो आई कैन अंडरस्टैंड, लाइक आई एम यूज्ड टू इट। यू यूज्ड टू दिस लोगे ना, तो बट ट्राई रिड्यूस सम एयर, यू विल गेट अ बेटर ट्रैक्शन कंट्रोल ओवर हियर। थैंक यू ब्रो, मानना पड़ेगा आपको, फ्लैट टायर पे आप चला रहे हो बाइक को, दैट्स हैड्स ऑफ। लाइक पीछे तो देयर इज नथिंग, नो ग्रिप ओनली। यस ड्यूड, आई थिंक दिस इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग अ लोकल, इट्स एवरीडे काइंड फॉर यू ना। तो मानना पड़ेगा, मतलब बीच में कितना स्नो था एंड इट कवर्ड ऑल ऑफ दैट, इट्स अ बिग डील सीरियसली, नो डाउट। वो हैड्स ऑफ टू द ड्राइवर, लाइक जो इतना लंबा लेके आ गया है। एंड तिबेटियन सोनो तिबेटियन कैफे एंड दिस चाउमिन इज यम्मी एंड शी लव दिस फ्राइड वेज मोमोज। दे डोंट हैव ओनली वेज टुडे बट दे हैव दिस यम्मी डीप फ्राइड मोमोज एंड दे आर रियली गुड। And I think I've over-ordered because this is one portion of thukpa. So. I don't know how it's going to have it, but I'm good with my chowmin. It's yum. I think after long I had this chowmin. I used to have it in Delhi. Mein jo taste was same exactly taste yahan pe mila hai. Bombay mein I never get the same taste. Yeah, that's so true. I thought I'd try it over here also. If you're coming to Sangla, this is the place. Let me show you guys. Sonu Tibetan Cafe. It's 8:30 now. Made it before we. I thought we're gonna be like around 10 o'clock, 10:30. But I'm a great rider, you know. I'm a driver too. I love riding fast. That's my USP, you know. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो let me know in comment section and मैं सारे comment पढ़ता हूँ तो वहाँ तो धमाल मचा रहता है। I'll see you guys in the next week. Till then, good night. Sabah khair.